Assalamualaikum class, आज हम start करेंगे disorders of digestive system. पिछले lecture में आपको digestive system के बारे में बताया था सारा, आप हम इसके disorders करेंगे, disorders पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे digestive system में किसे हो सकते हैं. वैसे तो common digestive system disorders है वो diarrhea, heartburn, constipation, ulcer वगैरह, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ diarrhea और constipation के बारे में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कॉमन डिजीज है. सबसे पहले हम बात करते हैं diarrhea की. डायरिया में होता क्या है, डायरिया पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस, मतलब जो हमारा है डाइजेस्टिव फूड इसको हम लोग फेसिस कहते हैं. डायरिया के दौरान जब वो एनस के थ्रू बॉडी से मूव हो रहा होता है तो ना तो वो लिक्विड ही फॉर्म में होता है ना ही वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बल्कि वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है. और ये होता डायरिया किस वजह से है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी भी कंटेमिनेटेड फूड मतलब किसी किस्म के जो हिंडी प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो जाए उस वजह से ये हो सकता है, और एंग्जाइटी यानी कि टेंशन या परेशानी की वजह से भी जो है वो डायरिया हो जाता है. और इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, ब्लॉटिंग, नोजिया, लूज मोशन, फीवर, मतलब पेट में दर्द होता है शदीद, क्रैम्पिंग मतलब खिंचाव रहता है पेट में, ब्लॉटिंग पेट जो है वो हरापन फील होता है, और नोजिया यानी कि वॉमिटिंग वगैरह फील होती है, लूज मोशन हो सकता है, या बात बात बुखार भी हो सकता है इसके दौरान. और डायरिया जो है डायरिया कैन बी फिल्टर इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन. डायरिया के दौरान जो है अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, जितनी मिकदार में हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है हमें उतना पानी पीना चाहिए, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो डायरिया जो है वो एक खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है. और इसकी डॉक्टर जो है वो इसके लिए एंटीबायोटिक सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन हम इसकी कुछ प्रिवेंशन करके अपने आप को जो है उस बीमारी से बचा सकते हैं. वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, हमें टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हैंड्स को सोप के साथ अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए. वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग, खाने से पहले फ्रूट्स को अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए, सब्जियों को पकाने से पहले अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए. डोंट ईट अनकुक मीट एंड एग, हमें जो है वो अनकुक्ड फूड मतलब मीट और एग वगैरह इनको अच्छे तरीके से पका के खाना चाहिए. अगर डायरिया के दौरान पानी की कमी हो जाए तो इसके लिए हम लोग लेमनेड्स का यूज़ कर सकते हैं. लेमनेड्स के लेमनेड्स कंटेन शुगर एंड सॉल्ट, बॉट शुगर एंड सॉल्ट है टू एब्जॉर्ब वाटर इन द बॉडी. ये क्या करते हैं, शुगर एंड सॉल्ट बॉडी के अंदर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं डायरिया के दौरान जो है वो लेमनेड्स का यूज़ किया जाए. नेक्स्ट जो डिसीज है हमारी वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज. कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होती किस वजह से है, कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड जिसको हम लोग फीसिस कहते हैं जब वो रेक्टम के अंदर जाती है तो रेक्टम क्या करता है, रेक्टम वहाँ से फूड के अंदर जितना भी वाटर होता है, अनडाइजेस्टिव फीसिस के अंदर जितना भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में शामिल कर देता है. तो क्या होता है, उस वक्त जो फीसिस होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, और जब वो एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो रहा होता है तो क्या उस दौरान क्या होता है, पेन वो डिफिकल्ट होता है, पेनफुल होता है, और डिफिकल्ट पैसिंग ऑफ फीसिस मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है उसको बॉडी से रिमूव होते हुए. ये पाकिस्तान ये इस दौरान जो है वो इस दौरान जो है वो जो पर्सन होता है वो अपने फीसिस को वीक के अंदर 3 times या 3 to 5 times जो है वो बॉडी से एलिमिनेट कर सकता है. और ये कॉमन डिसऑर्डर है पाकिस्तान के अंदर, और ये होती किस वजह से है, टेकिंग फूड लो इन फाइबर. हम ऐसी डाइट ले रहे होते हैं, ऐसी फूड खा रहे होते हैं जिनके अंदर जो फाइबर है वो बहुत कम मात्रा में होता है, या हमारे लिए को फिजिकल एक्टिविटी या हमारी फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं होती, या हम लोग जितना हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है हम बॉडी को उस हद तक जो है वो पानी नहीं पी रहे होते, इस वजह से भी हो सकती है. तो इस बीमारी को भी रिकवर किया जा सकता है कुछ प्रिवेंशन के लिए, क्या क्या है वो अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल. सबसे मतलब अपना लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छा करना चाहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ऐसी डाइट या ऐसी फूड खानी चाहिए जिसके अंदर फाइबर जो है वो ज़्यादा मिकदार में हो, मतलब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स वगैरह हो गए. उसके अलावा ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट मतलब ज़्यादा काफ़ी मिकदार में पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 12 glasses जो है वो हर रोज जो है वो पीना चाहिए. ये दोनों डिसीज जो है वो रिकवर हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रिवेंशन होती है जो मैंने आपको बताई है. नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे.